हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम की तरफ से आज हम फिर लेके आए हैं अनप्लग्ड टॉक। और आज हम बात करेंगे महाराज मूवी पे, जो कुछ टाइम पहले ही अभी नेटफ्लिक्स पे आई है। और इस मूवी के आज हम टॉपिक जो देखेंगे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन और विमेन कैरेक्टर्स का क्या रोल है, और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं गार्गी। और पहले उनसे पूछते हैं कि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था मूवी के बारे में। हाँ जी गार्गी। Hey everyone, how's everyone doing? So yes, Maharaj movie number one. I was pleasantly surprised जब ये मैंने मूवी देखी थी कि ऐसी मूवी बन रही है इंडिया में एंड एक्चुअली रिलीज हो रही है. सो वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी थी कि आई एक्चुअली गॉट टू वॉच समथिंग लाइक दिस. सो नंबर वन कुडूस टू द मेकर्स ऑफ द मूवी एंड टू एवरी वन हु हैज बीन एसोसिएटेड विद दैट मूवी. एवरीथिंग आई थिंक एवरी वन हैज डन अ ग्रेट जॉब. मतलब नंबर वन इज दैट. मुझे पर्सनली मूवी बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज आई थिंक इट टॉक्स इन डेप्थ अबाउट. मेरे को लगता है कि जो इस मूवी का बेस है दैट इज कंडीशनिंग, कि जो हम कंडीशनिंग ऑफ अ पर्सन ऑफ अ ह्यूमन, जो कि यूजुअली रिलीजन या कम्युनिटी या सेक्ट्स या हमारी सोसाइटी कर देती है एंड देन वी कीप ऑन लीडिंग अवर लाइव्स बेस्ड ऑन द कंडीशनिंग जो हमें मिलती है. सो इट काइंड ऑफ पुश यू टू लुक एट योर सेल्फ. एटलीस्ट दिस इज वॉट आई फेल्ट जब मैंने ये मूवी देखी थी. इट काइंड ऑफ पुश्ड मी टू लुक एट माई ओन बिलीफ सिस्टम्स. इट पुश्ड मी टू लुक एट माई ओन कंडीशनिंग इन माई ओन हेड, कि मैं अगर अपनी लाइफ एक सर्टन वे से, इफ आई एम लिविंग माई लाइफ इन अ सर्टन वे, दिस आर दोज रीजन दैट आई हैव नेवर थॉट अबाउट एंड आई हैव जस्ट लर्न देम वाइल ग्रोइंग अप. सो या फॉर मी दिस मूवी, इस मूवी ने काफी ज्यादा क्वेश्चन मेरे खुद के बिलीफ सिस्टम और कंडीशनिंग जो मेरी खुद की है उस पर रेज की ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स. सो आई कंप्लीटली लव्ड दिस मूवी टोटली. हाँ जी, तो जो कंडीशनिंग है, जो हम रिलीजियस जो मैसेज है या रिलीजियस टेक्स्ट है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करता है वो। और वो एंड में जो कोर्ट सीन भी आता है कि क्लेम्स के उसकी अथॉरिटी है कि वो कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा, That's तो उसी correct. से रिलेटेड सबसे जो कंटेंशियस उसकी इंटरप्रिटेशन है, जिसमें वो चरण सेवा आती है, तो उसको लेकर सोसाइटी के और फैमिलीज के एटीट्यूड के बारे में आपको कैसा लगा कि वो इस तरीके से देखते हैं आप उसको? आई मीन सो ऑब्वियसली आई मीन सो इस मूवी में जो कि ये दिखाया गया है, सो चरण सेवा इज आई होप लाइक काफी लोगों ने तो ये मूवी देखी होगी. सो दे अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट चरण सेवा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट अदर्स, इफ समवन हैज नॉट स्टिल अभी तक नहीं देखी है, तो चरण सेवा मीन्स गिविंग सेक्सुअल फेवर्स टू दी महाराज, हुएवर वाज द पर्सन जो कि उस टेंपल का महाराज था या वो जो पूरा सेक्ट को रिलीजियसली लीड कर रहा था. सो बेसिकली कंडीशनिंग तो पूरी फैमिलीज की ऐसे हुई हुई थी, लाइक कि इवन इफ देर इज अ वाइफ और अ डॉटर और अ सिस्टर और अ मदर, बट इफ अ महाराज वुड कीप अ हैंड ऑन वन पर्टिकुलर वुमेन, शी कुड बी एनी एज, शी कुड बी एनी वन, द पर्सन हैज दैट दैट पर्टिकुलर फीमेल हैज टू गो टू हिज चेम्बर एंड गिव हिम सेक्सुअल फेवर्स, विच वॉज एक्चुअली लुक्ड एज कि अगर कोई ऐसे करेगा तो उसको काइंड ऑफ डिविनिटी मिल जाएगी. मतलब वो चोजन वन होंगे, मतलब दे विल बी द चोजन वंस. सो वो मतलब दिखाया गया था. एंड इस मूवी में ऑब्वियसली ऐसा दिखाया गया है कि जो फैमिलीज की कंडीशनिंग है वो इतनी ज्यादा डीप रूटेड है, नीदर द फादर और द मदर और द हस्बैंड और एनी वन, नो वन पुट्स अ क्वेश्चन. अगर आपके घर से, इवन इफ यू हैव अ डॉटर हु इज लाइक एन 18-19 ईयर्स ओल्ड डॉटर, एंड इफ द महाराज वॉन्ट्स दैट पर्टिकुलर गर्ल, द फादर द मदर वुड देमसेल्व्स विल एक्चुअली टेक द गर्ल टू द महाराज, और द हस्बैंड विल हिमसेल्फ टेक द वाइफ टू द महाराज. सो इट ऑब्वियसली, आई मीन जब मैंने ये देखा था द फर्स्ट सीन व्हेन दिस हैपेंस, ऑब्वियसली आई वाज लाइक लिटरली शेकन टू माय बोन्स. मतलब कि ये एंड दिस हैज हैपेंड इन रियलिटी एज द मूवी क्लेम्स. आई मीन दिस वाज द केस दैट एक्चुअली हैपेंड इन 1862 इन ब्रिटिश राज इन मुंबई. सो दिस एक्चुअली हैपेंड. तो ये अगर हो रहा था, इट कम्प्लीटली शेक्स आई थिंक एनी वन, इट वुड शेक एनी वन के ये रिलीजन के नाम पे या
डिविनिटी के नाम पे क्या हो रहा था। और हाँ, इस सेक्ट के बारे में तो ये कहा जाता है, जो बुक भी आई है इसके ऊपर, कि ये आप इसको हम एब्रेशन मान सकते हैं, कि ये पहले इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है सोसाइटी को लेके भी, और बाद में भी ये इंसिडेंट कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल अलग ही है, ये उसका या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ऑफ उस कोर्स टाइम पे जो फॉलोअर्स थे, जो मूवी में दिखाया गया, शायद वो अगर वैसा ही है तो जो उस एक्ट को वो देख रहे हैं ऊपर से, और या उसको भी वो कुछ पैसे दे के उनको देखना पड़ता है, पर वो देखने की वो कोई वायरिस्टिक प्लेजर नहीं ले रहे, उनकी यस दे इनोसेंस को इस हद तक वो उन्होंने एक्सप्लॉयट किया हुआ है कि वो दे आर क्राइंग, मैन ही क्राइम देखने जा रहे हैं, और उस सेक्सुअल एक्ट को देखते देखते उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और उसी टाइम पे वो दूसरा करेक्टर एंटर करता है, जुनैद खान का, जो इसके करसनदास अगेंस्ट प्रोटेस्ट, करसन दास है जो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, वो सोसाइटी जो महाराज के पास अपनी बेटी बहन बहू किसी को भी भेज सकती है, उस अपने घर में वो प्रोटेस्ट करता है कि जो मेरी भाभी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसकी सेकंड मैरिज होनी चाहिए, उसकी दोबारा मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल सेक्सुअल फिजिकल सारे नीड्स होते हैं, वो कैसे पूरे होते होंगे, उसको जो लैक है उसके लिए उसकी शादी होनी चाहिए दूसरी। और वही करसन दास जब का कैरेक्टर जब महाराज से बात करता है, महाराज तो उसको क्लेम कर देता है कि वो तो मतलब वो किसी और ही लेवल पे स्पिरिचुअली चली गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यू शुड बी फील लाइक ब्लेस्ड कि तुम उससे शादी कर रहे हो। योर फियांसे वुड या हाँ, पर वहां पे उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल लिबरल नहीं लग रहा करसन दास का, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जूठन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वो बिल्कुल वही पैट्रियार्कल एटीट्यूड है जो कि उसको एक पोजेशन या ऑब्जेक्ट मानेगा एक वुमन को, कि वो मेरी एक तरीके से प्रॉपर्टी है, नोबडी एल्स कैन टेक हर। या तो बट आई वुड से तजिंदर हियर, आई मीन हिज रिबेलियन अगेंस्ट द होल एक्ट इज राइट, आई मीन दैट इज कम्प्लीटली राइट। ऑब्वियसली ही फील्स, आई मीन उसको ऑब्वियसली गुस्सा आता है देखे जब उसकी खुद की फियांसे गोज टू द महाराज टू गिव हिम सेक्सुअल फेवर्स। आई मीन ही फील्स डिसगस्टेड, ही कम्प्लीटली फील्स डिसगस्टेड। सो फॉर हिम फीलिंग डिसगस्टेड इज कम्प्लीटली राइट, बट येस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब वो ये बोलता है कि मैं जूठन नहीं खाऊंगा, तो वो वहां पे आके उसका जो रिबेलियन है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ ईगो का जो उसका इशू है वो आया है। सो ही इज येस ही इज मतलब वो उसके अंदर भी वो पेट्रियार्की दिख जाती है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर आर टू पार्ट्स टू इट। द वन पार्ट जो जो रिबेल करता है वो इस एक्ट के अगेंस्ट, आई थिंक दैट इज राइट। बट जो वो ये बोलता है कि वो उसको भी ऑब्जेक्टिफाई कर देता है अपनी फियांसे को कॉलिंग हर झूठन, तो वो डेफिनेटली वो भी महाराज के लेवल पे ही चला जाता है। जैसे कि महाराज ऑब्जेक्टिफाई करते करते कर दिखाया गया है कि महाराज ऑब्जेक्टिफाइज फीमेल्स अराउंड हिम, सो वो भी वही करता है। सो या दैट्स देयर, बट आई थिंक जो रिबेल उसके दिमाग में आता है वो प्रॉबली इज ऑन ही इज ऑन द राइट ट्रैक। और जो उसकी फियांसी है, उसकी जो आप रियलाइजेशन की जर्नी को कैसे देखते हैं, कि अब वो किस मोमेंट पे आपको लगता है कि वो रियलाइज करती है, और जो पहले उसका एटीट्यूड है वो धीरे धीरे दूसरी तरफ कैसे पहुंचता है, वो चेंज कैसे होता है। या आई मीन सो यू नो इफ यू सी द मूवी, तो इनिशियली तो जब सो होता ये है कि शी ऑब्वियसली गिव्स महाराज द सेक्सुअल फेवर्स, एंड देन जुनैद खान जो कि करसन दास कैरेक्टर है, वो किशोरी जो कि उसकी फियांसे है, वो अपनी एंगेजमेंट उनसे तोड़ देते हैं इसीलिए क्योंकि शी एक्चुअली वेंट अहेड एंड स्लेप्ट विद हिम। तो वो अपना एंगेजमेंट उनसे तोड़ देते हैं। उसके बाद शी गोज बैक टू द महाराज एंड महाराज कंसोल्स हर एंड टेल्स हर कि अब तुम मेरी खास बन के रहो, इट्स ओके, तुम्हारा पाथ कुछ और है एंड अब आप यहीं पे रहो मेरे साथ मेरे महल में, मेरे खास बन के रहो। तो वहां पे मुझे दिखता है कि जो किशोरी का कैरेक्टर है शी इज एब्सोल्युटली फाइन, इवन इफ यू नो आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ हर वॉट एवर 4-5 ईयर ओल्ड एंगेजमेंट शी लुक्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि उसको लगता है कि शी इज बीन एक्सेप्टेड बाय अ बेटर पर्सन, नॉट इवन अ बेटर पर्सन, गॉडली पर्सन एक्चुअली, शी इज बीन एक्सेप्टेड बाय अ गॉडली पर्सन। सो शी एक्चुअली फील्स, जो हमने पहले वर्ड यूज किया था, शी फील्स लाइक
शी इज द चोजन वन नाउ एंड यू नो लाइक शी इज गॉड, जो उसको इस जिंदगी में मिलना था वो उसको मिल गया है. तो उसके फेस पे उसके एक्सप्रेशन आर, शी इज हैप्पी. दो हर एंगेजमेंट, उसकी सुबह सुबह एंगेजमेंट ही टूटी है, बट शी इज हैप्पी कि वो अब महाराज की खास बन के रहेगी, बिकॉज दैट्स व्हाट द महाराज कन्वेज टू हर कि अब तो मेरी खास बन के रहोगी. सो वो होता है, शी लुक्स वेरी हैप्पी. बट देन नेक्स्ट सीन कम्स जब महाराज इज विद अनदर पर्सन, अनदर गर्ल इन इन अ रूम विच इज क्लोज्ड, और किशोरी का जो कैरेक्टर है वो वहां से पास होती है और वो सुनती है कि महाराज किसी और लड़की को भी सेम चीज ही बोल रहे हैं कि तुम मेरी खास बन के रहना. तो वहां पे ऑब्वियसली वी सी दैट देयर इज अ काइंड ऑफ, मतलब वहां पे उसको एक लगता है कि इन्फ्रिंचमेंट ऑफ स्पेस, कि ये तो मेरा स्पेस था, आई वॉज सपोज टू बी खास, एंड नाउ देर इज अनदर पर्सन जिसको महाराज बोल रहे हैं कि तुम खास बन के रहना. तो वो डेफिनेटली फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, बट देन वेन शी लुक्स बिहाइंड द डोर्स के है कौन वो लड़की, तो वो उसकी अपनी छोटी बहन दिखती है उसको. आई थिंक पार्शियल रियलाइजेशन उसको तब हो जाता है कि ओ माई गॉड वॉट डिड आई डू और वॉट डिड आई फॉल फॉर, राइट. एंड देन शी ऑब्वियसली गोज इनसाइड एंड शी अपनी बहन को वो बाहर लेके आती है एंड शी टेल्स द महाराज दैट हाउ डिस्गस्टिंग ही इज एज अ पर्सन, राइट. सो यस, पार्शियल रियलाइजेशन आई थिंक हो जाती है, बट अभी भी आई थिंक शी वॉज इन देयर कम्प्लीटली. आई थिंक अभी उस एक सीन में प्रॉब्ली शी वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस. इट वॉज इन्फ्रिंचमेंट ऑफ हर स्पेस, इट वॉज के जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं, बिकॉज लाइक एक सीन पहले ही शी इज वेरी हैप्पी, शी इज लुकिंग एट लाइक अ ब्यूटिफुल फैब्रिक ऑफ साड़ी that I'm gonna wear this saree जो अब क्योंकि अब मैं महाराज के साथ रहूंगी, सो आई एम गोना वेयर एक्सपेंसिव पीसेस नाउ. सो एक मिनट पहले ही शी इज वेरी हैप्पी, बट द नेक्स्ट मिनट शी इज लाइक यू नो ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि उसको लगता है कि जो उसने ड्रीम्स देखे थे या जो भी उसके दिमाग में था, इट वॉज ऑल अ फार्स, इट वॉज नथिंग एल्स बट इट वॉज जस्ट ऑल मेड अप थिंग्स. सो या आई थिंक उसको पार्शियल रियलाइजेशन होता है, बट आई थिंक उस सीन में भी तब तक वो सिर्फ दुखी ही होती है, काइंड ऑफ शी इज लाइक यू नो शी इज जस्ट सैड अबाउट हर सिचुएशन. रियलाइजेशन आई थिंक उसको तब जाके होता है व्हेन शी एक्चुअली कम्स होम एंड शी स्पीक्स टू हर सिस्टर, व्हेन शी रियलाइजेस के महाराज के लिए यू नो टू गिव दो सेक्सुअल प्लेजर्स टू महाराज और जस्ट टू बी विद महाराज, उसने मिस आउट क्या किया, शी इज मिस्ड आउट ऑन अ वेरी नाइस पर्सन हु वाज विद हर थ्रू आउट. तो आई थिंक वहां जाके उसको रियलाइजेशन होता है कि वो प्रॉब्ली यू नो शी ट्राइज टू सी के उसने खोया क्या और पाया क्या, यू नो आई थिंक वहां जाके उसको रियल रियलाइजेशन होती है कि वॉट एवर डील शी मेड इन हर लाइफ वॉज एक्चुअली बैड डील फॉर हर, यू नो. सो और उसके बाद वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक लाइक एज पर जब यू मुझे बोले. लगता है कि बाद में वो अप्रोच करती है उसको, तो वो फिर उसको एक बार वो भी बोल चुका है कि करसन दास इसको भी बोल चुका है कि मैं जूठन जूठन शब्द फिर यूज करता है जब वो उसके साथ भी वो रिश्ता तोड़ता है, कि उसको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। तो रियलाइजेशन के बाद जो गिल्ट होता है वो इतना हैवी होता है कि वो दैट पुशेस हर टुवर्ड्स दिस सुसाइड, और उसके लिए शायद वो दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं अबेटमेंट के लिए, कि उसका ब्लाइंड था उसकी वजह से वो एक्ट हुआ, पर जब उसकी रियलाइजेशन हो रही है देन वो ऑस्टेसाइज हो जाती है उस इंडिविजुअल से भी जिसके साथ वो इमोशनली अटैच थी पहले भी। तो वो भी लगता है कि शायद वो काफी हद तक जिम्मेवार था, और शायद उसको भी रियलाइज कराने के लिए दूसरा करेक्टर चाहिए हमें, नारोजी चाहिए आरोजी का राइट जो वो उसको हिट करता है, उसको रीजन देता है, लॉजिक देता है, तब उसे समझ आता है कि मैंने गलती की। पर वो शायद बहुत देर हो चुकी थी, तब तक वो सुसाइड ही कर लेती है। या सो व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली लाइक उसका जो सुसाइड होता है वो महाराज के एक्ट की वजह से होता है और करसन दास के निग्लेक्ट की वजह से होता है. सो एग्जैक्टली, बिल्कुल ये दो तीन चीजें मिलके पुशेस हर टू टेक हर लाइफ. हाँ। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हमें दिखता है इस मूवी में वो है वो लड़की जो वहां पे काम करने आती है आई थिंक हर नेम उसकी, वाज विराज, विराज द न्यू हाँ गर्ल दैट एंटर्स करसन दास लाइफ. हाँ तो उसका रोल आपको कैसे दिखता है, वो नैरेटिव में क्या रोल प्ले कर रही है प्लॉट में? आई थिंक शी वो मेरे को लगता है कि वो एक फिल्म मेकर्स ने मे बी एक ऐसी लड़की दिखाने की कोशिश करी है
जो काइंड ऑफ करसन दास के मेंटल स्पेस को मैच करने की कोशिश कर रही है ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स, मतलब एंड ऑब्वियसली वो बार बार ये चीज मतलब बोलती है दैट हाउ अगेंस्ट शी इज यू नो अबाउट दिस चरण सेवा और वट एवर, एंड जब वो एंड शी इज ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टेड इन करसन दास, शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम एंड एवरीथिंग, बट वो भी कहीं ना कहीं जाके अपने आप को जस्टिफाई करती है करसन दास को वेन शी वॉन्ट्स टू, वो बार बार लाइक शी इज अगेन एंड अगेन टेलिंग करसन दास दैट हाउ मच ही वॉन्ट्स टू मैरी हिम एंड एवरीथिंग, एंड ही इज ऑब्वियसली काइंड ऑफ यू नो जस्ट पुट टेलिंग हर दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट, बट देन देयर इज दिस वन सीन दैट कम्स दैट जहां पे वो बोलती है कि मेरे को व्हेन आई वाज 16 आई वाज आल्सो टेकन बाय माय पेरेंट्स फॉर चरण सेवा, बट जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग रॉन्ग मैं वहां से भाग के चली गई थी, सो दैट्स व्हेन करसन दास एक्सप्रेशन टुवर्ड्स हर चेंजेस. सो वो ही अब जबकि करसन दास की यहां तक की अगर आप मूवी देखोगे बहुत लंबी जर्नी हो चुकी है उसको, बहुत सारी रियलाइजेशंस हो भी चुकी हैं, नारोजी से भी बात हो चुकी है, किशोरी हैज ऑलरेडी डाइड, सो ऑलरेडी बहुत सारी रियलाइजेशन हो चुकी है जब तक मूवी का ये सीन आता है, बट यहाँ पर आकर भी इतनी दूर आके भी विराज को जस्टिफाई करना पड़ता है अपनी चेस्टिटी को या अपने कैरेक्टर को कि मैं तो भाग गई थी, सो आई एम गुड इनफ फॉर यू, यू नो सो आई एम गुड इनफ फॉर यू, सो शी स्टिल, सो करसन दास का कैरेक्टर, यस आई मीन ही ऑब्वियसली सो वी कैन कॉल इट दैट ही वॉज नॉट लिबरल इन टोटैलिटी, ही वॉज लिबरल प्रॉबली ओनली फॉर पीपल वेन वेन ही इज नॉट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन एन एक्शन, देन ही इज लिबरल, बट वेन इट कम्स टू हिज ओन लाइफ ही इज एज कंजर्वेटिव एज अदर पीपल आर, क्योंकि इतनी लंबी आपने मूवी की जर्नी दिखाई है, इतनी सारी चीजें दिखाई है, उसके बाद भी लास्ट में आप उस लड़की को ये चीज बोलनी ही पड़ती है टू मेक हिम इंटरेस्टेड के मैं भाग गई थी, सो आई एम अ वेरी चेस्ट वुमेन, यू नो. और मेरे ख्याल से एंड में हम उस सीक्वेंस की भी बात कर लें जब सीन की जिसमें ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और करसन दास महाराज को कहता है कि अगर उसकी बीवी और बेटी के बारे में जो वो उनको एड्रेस करने के लिए वो शब्द यूज करता है कि वो अगर उनको किसी और के पास जाना पड़ेगा तो मैं कैसा लगेगा, तो वहां पे महाराज की भी हिपोक्रेसी पूरी तरीके से पूरा उसका जैसे कहते हैं ना मास्क ही उतर जाता है, कि वो पूरी फिल्म में इतना शांत है कि एक एक सीन दिखता है जिसमें इतना शाउट करता है वो, और तो मतलब उसे भी पता है कि अगर मेरे लेवल का भी कोई है जो मैंने क्लेम किया कि जो महाराज होगा उसके चरण सेवा करने से कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलना है, तो वो मेरी मिस इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो अदालत में क्लेम करता है कोर्ट में कि ये तो मेरे अधिकार का क्षेत्र है कि मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, और चेंजिंग टाइम्स के साथ मैं उसको चेंज भी चेंज कर कर सकता, सकता पर वो चेंज इंटरप्रिटेशन को अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए वो नहीं मानता। तो वो वहां पे उसको भी रियलाइजेशन हो गई है पर उसको अपनी परवर्जन भी है उसमें, और इस वजह से भी और लोगों के ऊपर अपनी पावर को भी कई चीजें इन्वॉल्व मेंटेन हो करना. सकती है, पावर एग्जर्ट करनी है लोगों के वो कंट्रोल करना है, धीरे सो धीरे हम देखते हैं एंड तक शायद बाकी करेक्टर्स भी रियलाइज करना शुरू कर देते हैं, खासकर जब वो उस सीक्वेंस में जब वो बाहर आता है केस खत्म होने के बाद तो सारे बिल्कुल उसको गुस्से से देख रहे हैं, कोई उसकी तरफ हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हुआ। बट यू नो मेरा एक क्वेश्चन है फिर इस सब चीज को लेके, जैसे नाउ दैट यू मेंशन के महाराज जब वो बोलते हैं कि तुम्हारी भी तो बीवी और बेटी है, अगर उनको जाना पड़े किसी और महाराज के पास तो तुम्हें कैसा फील होगा, एंड देन ऑब्वियसली ही शाउट्स एंड करसन दास गेट्स एंग्री व्हेन हिज ओन फियांसे गोज राइट, तो जब मतलब तो इज इट सेफ टू से कि मतलब बेसिकली ह्यूमंस हम है ही ऐसे कि जब हम पे बात आती है हमारा एक्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है वर्सेस व्हेन जब बाहर वाले लोगों के लिए कुछ भी हो रहा हो, सो व्हेन व्हेन इट कम्स टू अस देन देन ओनली वी फील द फायर, वी डोंट फील द फायर लुकिंग एट अदर पीपल बर्निंग. मेरे ख्याल से वो जिस डिजीज को ठीक करना चाहता था, एक तो ये रिलीजन के लेवल पे और जो पैट्रियार्कल कंट्रोल है जहाँ उस
इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहता था, वो धीरे धीरे होगा। उसकी अपनी खुद की रियलाइजेशन नहीं थी बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि वो भी उस पैट्रियार्कल एटीट्यूड में ही जी रहा है। दैट्स ट्रू और धीरे 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 चेंजेस आते हैं, या और उसको अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अपनी जो या इमेज वो दिख रहा है, शायद वो इतनी ट्रू टू रियलिटी नहीं है। उसको या अपने इमेज को जी रहा है, एक इमेज प्रोजेक्ट क्रिएट, जैसे हम कहते हैं इमेज प्रोजेक्ट कर रहा है वो, अपने आप के कर लिए, सोसाइटी के लिए भी। और जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके, या जो उसको ड्रॉबैक्स हैं, जो उसको वापस खींच रहे हैं उसी कंजर्वेटिव एटीट्यूड की तरफ, शायद वो उसको रियलाइजेशन धीरे धीरे होती है, एंड तक पहुंचते पहुंचते शायद वो रियलाइज कर लेता है। पर वो 1862, मतलब 19th सेंचुरी में, मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, इतना होना भी बहुत बड़ी बात थी। पर वो एक पॉइंट पे रुक जाता है कि उसके आगे वो जा नहीं पाता। वो एक वही चीज उसको ह्यूमन भी बनाती है, वही चीज उसको हीरो बनने से भी रोक रही है। रुकती है और अगर सो ही ऑब्वियसली ऐसा होता तो वो ही संत बन जाता, क्योंकि उसने भक्ति मूवमेंट का कुछ एलिमेंट्स तो लेके आया है कि जब वो मंदिर बंद हो जाता है, जब वो कहता है महाराज मुझसे नहीं माफी मांगेगा तो क्या मंदिर नहीं खुलेगा, तो वो भगवान को बाहर लेके आ गया। बाहर लेके आ जाता है या तो भगवान जरूरी नहीं, मंदिर में ही उसकी पूजा हो। भगवान तो कण कण में बसा हुआ है, वही वो बिल्कुल बताता है इंटरप्रिटेशन। तो अगर कण कण में बसा है तो बाहर भी पूजा हो सकती है, आरती भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो कुछ हद तक वो काफी उसके आइडियाज हैं जो कि प्रीस्टहुड से बचाना चाहते हैं, जो प्रीस्टहुड की, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन के जो कमियां हैं उससे बाहर निकालना चाहते हैं लोगों को। पर फिर भी उसकी बहुत सारे फैलसीज हैं, बहुत बड़ी फैलसीज हैं। तो एज अ ह्यूमन उसको दिखाया गया है, और महाराज है इसलिए उसकी ये फैलसीज महाराज के रोल को और ज्यादा एक तरीके से बड़ा करती हैं। ये बड़ा टक्कर करती में हम देख नहीं पा सकते ड्रामेटिकली, वो उसका जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा शायद ना होता। ये एक मतलब समाज सुधारक ही बन जाता पूरा ही, अगर इसमें कोई कमी ना ही होती तो ये मूवी कोई और ही कलर ले लेती शायद, तो हम ये डिस्कशन भी शायद ना कर रहे होते फिर। या फिर हम कुछ और डिस्कशन कर रहे होते हैं या नो हाँ आई जी थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट आई मीन ही डिड प्ले मतलब कैरेक्टर उसका थोड़ा ग्रे ही रहा बिकॉज ही ऑब्वियसली हैड हिज ओन उसके अपने चैलेंजेस थे जो वो खुद के साथ अपने फेस कर रहा था यू नो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम आई थिंक ही वाज बट द गुड थिंग इज दैट एटलीस्ट ही वाज क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ यू नो एवरी नाउ एंड देन सो दैट वाज गुड वो एक अच्छी चीज थी उसके कैरेक्टर में बट या यस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट महाराजस वाइफ का रोल डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट जो महाराज की वाइफ दिखाई है मेरे ख्याल से उसकी तो पहले तो जैसे एक एक ओल्ड प्रीस्ट भी दिखाया गया, जो शायद महाराज से पहले, शायद वो महाराज रहा होगा, हमें पक्का नहीं पता। और वैसा ही उसका है कि वो दो कैरेक्टर ऐसे हैं, वो ओल्ड मैन और ये लेडी, ये दोनों, उनको पता है ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है जब जब भी उनको मौका मिलता है देन वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, विटनेसेस को भी लाने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, तो जितना वो उस सोसाइटी में, उस सिस्टम में रह के प्रोटेस्ट कर सकती थी, जहाँ वो उसके खिलाफ कर सकती थी, उतना वो उसने किया है। तो आई थिंक शी डिड मोर देन दैट आई थिंक शी डिड लाइक शी आई मीन हर हर कैरेक्टर और वॉट एवर द पर्सन दैट शी वॉज इफ इन रियालिटी इफ दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपन शी डिजर्व मच मोर क्रेडिट देन एनी वन एल्स बिकॉज टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन एंड वहां पे रह के फिर वो रिबेल करना या फिर एटलीस्ट कोशिश करना चीजों को बेटर करने की इट टेक्स लॉट ऑफ करेज आई मीन सो आई थिंक हाँ, यश हमें बस, हमें इतना ही पता कि वो लिमिटेड जो हमें उसका रोल दिखा, हमें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता कि वो हाउ डिड शी एंड अप मैरिंग दिस पर्सन। तो दैट्स ट्रू मेरे ख्याल से ये डिस्कशन काफी अच्छी रही हमारी इस टॉपिक पे, और इससे जुड़े हुए कुछ और भी इश्यूज होंगे उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो ठीक है आज की डिस्कशन को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू यस गार्गी फॉर बीइंग थैंक विद यू अस अगेन। इट्स ऑलवेज सो मच फन टू डिस्कस मूवीज विद यू आई टोटली एंजॉय दिस एवरी सिंगल टाइम ओके, तो आज का हम प्रोग्राम यही खत्म करते हैं।
नेक्स्ट यस, वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक लिए गुड बाय एंड थैंक यू। बाय गाइस।